क्योंकि ये पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है, एक दूसरे से, इसलिए हम इसको इसके सेक्यूल्स को नहीं देख सकते। बट अगर हम लोग इसके सेक्यूल्स को ध्यान से नोटिस करते हैं तो ये हमको एज सैक्स दिखेंगे, मतलब बोरे की तरह दिखेंगे, पर वो बोरे चपटे हुए दिखेंगे। हम लोग इसको एक ऊपरी लेयर से देखते हैं जब हम लोग डायग्रामेटिक बातें करते हैं। तो ये तो सब बातें हो गई कि सिस्टर ने होता क्या। अब हमने बात किया एक वैक्यूल के बारे में, तो वैक्यूल और कुछ नहीं होता है, एक सिस्टर से दूसरे सिस्टर में क्या ये जो गैप बन रहा है 110 से 200 एंगस्ट्रॉम का, इसके बीच में कुछ फाइबरस पार्टिकल्स होंगे, फाइबरस पार्टिकल्स होंगे, ये एरिया होता है वैक्यूल का एरिया। वैक्यूल के एरिया के डायमेंशन है 110 से 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तो ये जो आप सब्सटेंसेस देख रहे हैं, फाइबरस सब्सटेंसेस जो आप देख रहे हैं इसमें, ये फाइबरस सब्सटेंसेस जो होते हैं इनका डायमेंशन होता है ऑलमोस्ट 60 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, इन डायमीटर, कितना होता है 60, और ये वेरी कर जाता है अबाउट 75-80 एंगस्ट्रॉम तक ये वेरी कर जाता है। तो 60-80 एंगस्ट्रॉम वेरी करेगा इनका डायमेंशन, ये जो फाइबरस पार्टिकल्स होते हैं वैक्यूल में जो पाए जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का जो डिस्टेंस होता है वो फिल्ड होता है कुछ फाइबरस पार्टिकल्स, जो मैंने बताया आपको अभी भी कि एनॉर्मस पार्टिकल से फिल होगा। वो एनॉर्मस पार्टिकल्स क्या है, यही फाइबरस पार्टिकल्स हैं जिनका डायमेंशन होता है 60 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो अगर आप इस सेक्योल में देखें तो कुछ इस तरीके से आपके जो है अलग अलग राइबोसोम्स इसमें चिपके होंगे, राइबोसोम्स भी चिपके होंगे, ठीक है, सैक्स में राइबोसोम चिपके होते हैं। और ये जो आप पार्टिकल्स ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये आपके पार्टिकल्स हैं एट द एरिया ऑफ वैक्यूल, और हम इनको कहेंगे फाइबरस पार्टिकल्स। क्या कहेंगे? फाइबरस पार्टिकल्स। राइट, सो दीज आर द फाइबरस पार्टिकल्स इन बिटवीन टू सैक्स, टू सेक्यूल्स। अब एट द सेम टाइम हमको बात करना है वेसिकल्स के बारे में। तो वेसिकल का निर्माण कैसे होता है एक गोल्जी अपरेटस के अंदर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बात कर लिया कि वेसिकल कैसे टूट के निकलते हैं, बट गोल्जी अपरेटस का थोड़ा सा वेसिकल का निर्माण करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस होता है सीक्रीशन। जो भी सीक्रीशन होता है वो कहां होता है, वेसिकल के द्वारा ही होता है। सीक्रीट गोल्जी बॉडी करता है किसी भी सब्सटेंस को, और वो वेसिकल लेके जाता है एट द पॉइंट जहां पे उसको छोड़ना है, जहां पे उसको हमें सीक्रेट करना है, ठीक। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग गोल्जी अपरेटस के बारे में, तो इसी से इसका जो टिप होता है, ये जो टिप होता है ये वेसिकल को लिबरेट करता है। कैसे लिबरेट करता है उसके बारे में जानते हैं। जितना भी सीक्रेटरी सब्सटेंस है वो आके कहां पे अकुमुलेट हो जाएगा, कहां पे आके जो है जमा हो जाएगा, एट द टिप। फॉर एग्जाम्पल, ये टिप का एरिया है जहां पे वो सीक्रेटरी सब्सटेंस है, ये सी ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये सीक्रेटरी सब्सटेंस है। अब ये सीक्रेटरी सब्सटेंस अकुमुलेट हुआ है एट द टिप। अब ये टिप क्या करेगा, ये टिप स्वेल होगा, स्वेल का मतलब फूलेगा, फूल के ये एक अलग तरीके का जो है शेप ले लेगा। इसके शेप की वजह से गोल्जी अपरेटस अपनी जो है रिपेयरमेंट करने लगेगा, मतलब कि ये एरिया अब गोल्जी अपरेटस को नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सीक्रेटरी सब्सटेंस है। अगर ये एरिया रहा इसके साथ में तो गोल्जी अपरेटस शायद ये सिस्टर्नी ना बचे, तो ये सिस्टर्नी अपने आप को रिपेयर करने लगेगी, और ये जो सिस्टर्नी है इस स्वेल्ड एरिया को अपने से एक्सट्रैक्ट करने लगेगी, निकालने लगेगी बाहर, एक्सक्रीशन करने लगेगी, और धीरे 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 ये जो गोल एरिया है ये अलग निकल के वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, और यही वो वेसिकल्स हैं जो कि आपको दिखेंगे। राइट, और यही वेसिकल काम करेंगे सीक्रीशन का, और यही वेसिकल हैं जो सीक्रेटरी सब्सटेंस को कंटेन करते हैं। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहां पे उतना इजी नहीं है ये चीजें, ठीक है। यहां पे वेसिकल, वहां पे तो आपने पढ़ा कि वेसिकल एक ही प्रकार का होता है, बट यहां पे वेसिकल जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्रकार का वेसिकल ही हो। वेसिकल दो प्रकार के होते हैं इन द केस ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में जो पहला वेसिकल होता है, जो फर्स्ट वेसिकल होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ वेसिकल्स। स्मूथ वेसिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो
स्मूथ दिखते हैं, रफ नहीं दिखते, ठीक है, स्मूथ दिखते हैं, इसकी वजह से उनको कहते हैं स्मूथ वेसिकल्स। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे वेसिकल्स भी होते हैं जो कि अपने ऊपर एक तरीके की कोटिंग रखे होते हैं, कोटिंग रखे होते हैं, और ये जो कोटेड वेसिकल्स होते हैं ये कम होते हैं। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो लेस इन क्वांटिटी, कोटेड वेसिकल्स लेस इन क्वांटिटी होंगे, और कोटेड वेसिकल्स का वर्क अभी तक जो है कोई भी परफेक्ट काम नहीं हमको ज्ञात हुआ है कि इसका काम होता क्या है, बस ये एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ते हैं, दैट्स इट, वर्क हमें नहीं पता। वर्क जो मेनली होता है वो होता है आपके इन वेसिकल्स का, ये जो स्मूथ वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल क्या करते हैं, टिब्यूल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। टिब्यूल्स का डायमेंशन क्या होता है, और 600 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो है टिब्यूल का जो है डायमेंशन होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। और ये जो टिब्यूल होती है ये कनेक्ट करती है वेसिकल्स को आपकी गोल्जी अपरेटस से। किसको कनेक्ट करते हैं, वेसिकल्स को कनेक्ट करते हैं आपकी गोल्जी अपरेटस से। अब ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल कंटेन कर रहे हैं, स्मूथ वेसिकल कंटेन कर रहे हैं किसको, सीक्रेटरी सब्सटेंसेस को। ये क्या करेगा कि एट द स्टेज जहां पे उस सेल को उस सीक्रीशन की जरूरत है और जिस एरिया में जरूरत है वहां पे जाके डंप कर देगा सीक्रेटरी सब्सटेंस को, और सीक्रीशन होगा और सेल उसको अपने यूज में ले लेगी, यूटिलाइज कर लेगी सेल। तो ये तो आपको क्लियर हो रहा है, बट अभी भी कोटेड वाला, ये जो रफ वाला है ये क्लियर नहीं है, इसको चलिए क्लियर करते हैं आपको। ये जो रफ आपका वेसिकल है इसका वर्क तो हमको नहीं पता, बट कुछ चीजें इसके बारे में पता है। जो गोल्जी अपरेटस है अपने से दूर पेरिफेरी पे, मतलब जो लास्ट एंड जहां तक वो पहुंचा सकता है उसको अपने से बहुत दूर रखता है इस रफ वाले वेसिकल को, एक तरीके से त्यागता है कह सकते हैं, अपने से दूर करता है, त्यागता है। और ये जो स्मूथ वाला होता है इसको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने से एसोसिएटेड रखता है, अपने से पास रखता है, ताकि ये जो आपको बेसिकल स्मूथ वाला दिख रहा है इस सीक्रेशन कर सके एट द स्टेज जब गोल्जी बॉडी चाहे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और इसकी बॉन्डिंग बहुत बेकार होती है, इस वजह से ये लास्ट एंड पे पाया जाता है और ये पाए जाते हैं एट द टिप, ठीक है, स्मूथ वाले पाए जाते हैं एट द टिप ऑफ गोल्जी अपरेटस। कहां पे पाया जाएगा, एट द टिप ऑफ गोल्जी अपरेटस। अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वेसिकल्स की, अब वेसिकल की डायमेंशन भी आपको बता देते हैं। ये जो स्मूथ वाला है ये अबाउट 70 nm to 80 nm इन डायमीटर होगा, गोलाई होगा क्योंकि स्फेरिकल है, और ये जो रफ वाला है इसकी डायमेंशन होती है ऑलमोस्ट 50 nm इन डायमीटर, इन डायमीटर 50 nm इन डायमीटर होती है। और हमने आपको बता दिया है कि जो कैविटी है फ्रॉम जो आपको एक गड्ढा दिखेगा जो सेक्यूल बन रहा है क्योंकि कॉनिकल बन रहा है, सैक बन रहे हैं, तो ये जो कैविटी दिखेगी ये कैविटी होगी 90 एंगस्ट्रॉम की, बट ये भी डिपेंड करता है 90 एंगस्ट्रॉम से 110 एंगस्ट्रॉम की भी हो सकती है, और 110 एंगस्ट्रॉम से लेके आपकी 200 एंगस्ट्रॉम की भी कैविटी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है ऑन द सेल। अब अगर हम लोग बात करें शेप और साइज के किसी भी गोल्जी अपरेटस के, तो गोल्जी अपरेटस का शेप और साइज तो कभी डेफिनेट एक रहा ही नहीं है, आज तक कभी भी एक साइज में गोल्जी अपरेटस नहीं मिला दूसरी भी सेल में। आपने सुना होगा ग्लोबलेट सेल्स जो होती हैं आपके इंटेस्टाइन की, राइट, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की जो ग्लोबलेट सेल होती है ड्यूरिंग डाइजेशन उसका गोल्जी अपरेटस बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका साइज थोड़ा बहुत ट्रिपल करता रहता है, ट्रिपल करता रहता है, बड़ा छोटा होता रहता है, तो उसको चलिए साइड में रखते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया, हम लोगों को ये पता चल गया एक सिस्टरने से दूसरे सिस्टरने की डिस्टेंस क्या है, 110 से 200 एंगस्ट्रॉम है। आपके ये जो वैक्यूल एरिया पे ये जो पाया जाएगा सब्सटेंस, फाइब्रस सब्सटेंस जो पाया जाएगा इसकी डायमेंशन क्या है, 60 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होता है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक जा सकता है। और सिस्टरने की जो लेयर होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, 70 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपने कैविटी के बारे में भी जान लिया, और इसकी जो स्मूथ वाले की डायमेंशन भी आपको पता चली 70 से 80 nm इन डायमीटर, और ये वाला रफ वाला होता है 50 nm इन डायमीटर, ठीक। अब
ओके गाइस, तो अब चलिए एक और रिसर्च के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया रिसर्चर चेनिंग हम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था 1966 में, जिसमें उन्होंने रिसर्चेस किए थे अनियन के ऊपर, अनियन की लीफ के ऊपर, अनियन की स्टेम के ऊपर, जो कि डिक्टियोसोम है। तो उन्होंने पाया कि एक बंट टाइप का, मतलब कि एक ट्रैक टाइप का था इस तरीके का, जिसमें कि वेसिकल्स उन्होंने देखे, वैक्यूल्स देखे, सिस्टेनेज देखे, और यही थी डिक्टियोसोम। ठीक है, जिस डिक्टियोसोम को भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो आपको गोल्जी अपैरेटस, जो इतना बड़ा डायग्राम ये जो आपको दिख रहा है, ये आखिर में पाया कहां पे जाता है और इसका शेप साइज क्या रहता है। तो शेप की अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर क्वांटिटी की हम लोग बात करें, कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, तो और अगर हम लोग इसके साइज के बारे में बात करें तो क्वांटिटी और साइज सब वेरी करती है टाइम टू टाइम। अगर सिक्रीशन करनी है सेल को एट द टाइम ऑफ सिक्रेटरी स्टेज, अगर सेल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि गोल्जी अपैरेटस को वहां पे सेल को रखना है, ठीक है, तो सेल उसका क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, उसका साइज भी बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन इसका जो साइज है और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल अभी अभी बीच में आपको दिया था, ग्लोबुलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, जहां पे आपको ये बात पता होगी कि जब डाइजेशन होता है तो वहां की सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो ये आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि गोल्जी बॉडी का साइज वेरी करता है। शेप भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आपको ये शेप दिख रहा है, हो सकता है कि इस शेप से थोड़ा अलग शेप में आ जाए, बट मोस्टली ये देखा गया है कि घटती बढ़ती रहती है जो आपकी इस ये है गोल्जी अपैरेटस जो है वो घटता बढ़ता रहता है इन द सेल, अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग फॉर्म्स पे, ठीक। अब बात करते हैं कि गोल्जी अपैरेटस पाया कहां पे जाता है, गोल्जी अपैरेटस आखिर में पाया कहां पे जाता है। तो गोल्जी अपैरेटस को अगर हम लोग ये समझे कि गोल्जी अपैरेटस पाया कहां पे जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि न्यूक्लियाई, आई विल रब दिस डायग्राम नाउ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई और ये जो सेल वॉल है, ठीक है, न्यूक्लियाई और सेल वॉल जहां पे सीक्रीशन करना है उसके बीच में पाया जाएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसी के बीच में पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल सीक्रीशन करना है इस एरिया पे, तो गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस और उस एरिया के बीचों बीच में पाया जाएगा ताकि सही वक्त पे वहां पे पहुंच के सीक्रीशन कर सके और सेल को डैमेज से बचा सके। तो ये तो हो गया आपको एक डायग्राम, आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया कि एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपैरेटस का, राइट, गोल्जी बॉडी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बार बार आ रहा है जुबा पे, गोल्जी अपैरेटस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये चीज समझनी है, कि फंक्शंस कैसे होते हैं इसके और गोल्जी बॉडी के फंक्शन किस तरीके से ट्रिपल करते हैं, फंक्शन अलग अलग फंक्शन समझेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस के बारे में इसके गोल्जी अपैरेटस के, और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी जानेंगे कि गोल्जी अपैरेटस आखिर में बनता कैसे है, इसकी जो सिस्टमीज है, इसकी जो लेयर्स है, इसकी वेसिकल्स कैसे, वेसिकल्स के बारे में मैंने बात कर लिया, बट ये जो अलग अलग लेयर्स हैं ये कैसे बनती हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। गोल्जी अपैरेटस का बनना भी एक बहुत बढ़िया स्टडी का मटेरियल है, ठीक है। तो गाइज होप सो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। गोल्जी बॉडीज हमने आज पढ़ी है, गोल्जी अपैरेटस आज पढ़ा है, और होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जय हिंद, जय भारत।